पल पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सभापति महोदय, हम लोग हैं। आपने मुझे इस बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का समय दिया। सारे सदन की भावना सुनने के बाद में मुझे लगा कि सभी विद्वान साथियों ने सारी बातें कह दी हैं, मैं सिर्फ दो ही बातों पर रहूंगा। और बहुत ज्यादा गंभीर तरह से बात करने के बजाय मैं जरा हल्की सी बात इसलिए करना चाहूंगा कि यहां पर बहुत गिनतियों की बात हो रही थी और गिनतियां बताई जा रही, तो मैं गिनतियों से ही शुरुआत करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभापति महोदय कि ये बजट जो है एक आम जनता के साथ एक खूबसूरत अलावा है। क्या बात है, ये बजट देश के अरबों देशवासियों के लिए नहीं है बल्कि चंद अरबपतियों के लिए है। क्या बात है, और देश के जनमानस को आंकड़ों के हेर फेर में उलझाया जा रहा है। मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहता हूं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। चाणक्य ने कहा है सत्य से भागने से कुछ नहीं होगा, सत्य पृथ्वी को संतुलित रखता है। महोदय, 2014 के अंदर चुनाव से पहले आंकड़ों और डाटा की भाषा नहीं बोली जाती थी। 450 से ज्यादा मीटिंग की होंगी और जो शब्द बार बार बोले जाते थे वो शब्द थे जॉब्स, बेरोजगारी, यूथ। हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां, किसानों की बदहाली, सेना के जवानों की शहादत का बदला, काला धन, हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए, आदि 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 आदि। महोदय, इस बजट में तकरीबन नहीं, 4 बार गिनने के बाद में समझ में आया 18,000 शब्द हैं, और 18,000 शब्द में जॉब शब्द का नाम सिर्फ 6 बार आया, सिर्फ 6 बार लिया गया इन 18,000 शब्दों के अंदर। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कितना संजीदा है ये मौजूदा सरकार। मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, हमारे सभी साथियों ने, सभी विद्वानों ने इनको समझाने की कोशिश की, अगर समझ में आ जाए तो। और यूथ एक शब्द है जिसको इन्होंने लाइन में लगा दिया। यूथ शब्द तो सिर्फ 3 बार आया है इस पूरे बजट के अंदर। रोजगार के अवसरों के लिए कोई नया विचार नहीं, वही स्टार्टअप, स्टैंडअप, जिसकी सफलता अब तक संदिग्ध है। 55 सालों की कांग्रेस की सरकार की फिक्र करना छोड़ दें, फिक्र उन वादों की करें जो आपने किए थे। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात नहीं की थी, डिटेल आपको बता दी गई है। अब ईपीएफ का डाटा गिनाया जा रहा है, जानबूझकर उलझाए हुए आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अपनी ही सरकार की लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े देख लीजिएगा, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है पिछले 4 सालों में जहां नौकरियां मिलनी चाहिए थी 8 करोड़, वहां मात्र मिली है 4-5 लाख। महोदय, और हालात सुधर सके इसके लिए इस बजट में कोई नई योजना नहीं है। महोदय, आदमी को जीवन यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, आटा। बेरोजगार नौजवान को जिसकी परिभाषा यहां हमारे आदरणीय साथी ने दी है, जॉब्स का मतलब समझ में आ गया होगा। बेरोजगार नौजवान को रेगुलर रोजगार चाहिए, यहां से रेगुलर भाषण मिलता है। भाषण देने तो नहीं बढ़ती,
महोदय, दुर्भाग्य है कि इस देश के नौजवान को नफरत की अफीम पिलाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस हकीकत से वाकिफ ना हो, यह अच्छी तरह भलीभांत परिचित है और जानते हैं अपनी असफलता, गवर्नेंस की चुनौतियां से भागकर उन्हें नौकरी नहीं दे पाने की वजह से ये भरपाई करते हैं, नौजवानों के हाथ में डंडे देते हैं। कल हमारे साथी ने बोला कि बांस जो है वो फाइबर में आता है, इनके लिए फाइबर में नहीं आता है, डंडों के लिए आता है, इसलिए उसको छूट दे के घास में लाने का काम किया। आपकी बातों में आकर युवा ने आज की तारीख में ना तो समाज के काम आ रहा है और ना ही अपने परिवार के काम आ रहा है, सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो चुका है। यूपी के कासगंज के चंदन की मौत की वजह ही यही है। लेकिन जिस दिन झंडारोहण हो और झंडा फहराने की बहस के अंदर, बैठ के अंदर नौजवान की जान चली जाए, इसके सवालों का जवाब सभापति महोदय इनको देना होगा। इसके कारण है कि रोजगार नहीं मिल रहा नौजवान को, जिसकी वजह से वो एक आक्रोश में निकला हुआ है। महोदय, मैं नौजवानों के बारे में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, उनके बारे में, योजनाओं के बारे में कह दी, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। रहा किसान, किसान को भी इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया। महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में इनका घोषणा पत्र निकला था, जिसके पन्ना नंबर 44 के ऊपर इन्होंने उस वक्त जो है किसान की लागत का 1.5 गुना देने के अलावा वादा किया था। 4 साल बीत जाने के बाद में अब इनको किसानों की याद आई है, वो भी ना आती। गुजरात का चुनाव और राजस्थान का उपचुनाव के अंदर जब किसान की नाराजगी खुलकर वोटों में आई तो इनकी समझ में आई, और शायद यही कारण है, यही वजह है कि इन्होंने इस बार अपने बजट में फार्मर का नाम, किसान का नाम 30 बार लिया है। शायद यही वजह हो सकती है कि 18,000 के शब्दों वाले बजट में 30 बार किसान का नाम लिया। आप पढ़ लेते शायद समझ में आ जाता कि आपने तब भी कुछ नहीं दिया और आज भी कुछ नहीं दे रहे। किसान भोला जरूर है, आप पढ़ लीजिए, किसान भोला जरूर है। थैंक यू, हमने तो बहुत समझाया प्लीज, किसान भोला जरूर है, लेकिन काइंडली कंक्लूड प्लीज। सर, अगर आप कहेंगे तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मैंने 2 पॉइंट कहने हैं, सिर्फ कहूंगा उसके बाद बैठ जाऊं, मैं ज्यादा समय नहीं देता, मैंने खुद ही सब कुछ अपना कम कर दिया, मैं बोल ही नहीं रहा। मगर इससे समझदार किसान से समझदार कौन कोई दूसरी नहीं है हमारे देश में, उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ गया है कि ये आंकड़ों की बाजीगिरी है। और बहुत सारे साथी उनके यहां भी समझते हैं कि जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि वाकई ये आंकड़ों की बाजीगिरी का मुकाबला कैसे करेंगे। अगर ईमानदारी होती तो बजट में किसान की लागत का जो तय करने का फॉर्मूला है, जो उसकी लागत तय करने का फॉर्मूला, उसे बदलाव नहीं करते। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, लागत में बीज, खाद और फैमिली लेबर को तो शामिल रखा है। फोर मोर मेंबर्स आउट स्पीक काइंडली, लेकिन जमीन के रेंट के बारे में कोई बात नहीं की है। जमीन का रेंट नहीं है क्या? जमीन बिना खेत के जो है खेती करेगा? किसान के पास में अगर जमीन नहीं होगी तो खेती किसमें करेगा? अगर जमीन है तो फैमिली लेबर का तो इंक्लूड किया है इन लोगों ने। लेकिन किसान को झांसा देना अपनी ही फसल बीमा योजना में, पहले वो बहुत झांसे खा चुका है, इतना झांसा मिला उस बेचारे को कि उसकी रकम, उसके पैसे उसके अकाउंट में से अपने आप जो फसल बीमा कटता गया और उसको नहीं मिला। मैं उत्तर प्रदेश जहां से 73 सांसद आते हैं, और मुझे खुशी होगी कि उन सांसदों के बीच में एक बात 3 सवाल करना चाहता हूं,
Kindly please. उनकी जानिब से कि क्या ये सरकार अपना ही वादा पूरा करने में उसने चार साल क्यों लगाए हैं, ये जवाब देगी किसान को? उन चार सालों में आपका दिया हुआ वादा लागू करने की वजह से किसान की जो भरपाई नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई उसको मिलेगी? और तीसरा जो है, इन चार सालों में कम जो लोगों का अनुमान है, जो साथियों ने बताया है कि एक लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में जाते अगर उनको ये लागू कर दिया गया होता। इन बातों का जवाब अपने बजट में अगर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। महोदय, वैसे तो जुमलेबाजी की जुगलबंदी है यहाँ, प्रधानमंत्री कोई जुमला कसते हैं, ये कोई जुमला इसको जो है यहाँ पर अध्यक्ष महोदय उसको कह देते, उससे पहले कहते हैं कि वो 15 लाख जुमला था, अभी यहाँ आए तो इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के लिए वो फॉल्टी बता रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये जो है यहाँ आके कह रहे हैं लाजवाब जीएसटी है, कमाल की जीएसटी है। और इतना ही कहूंगा, वैसे सुन प्रधानमंत्री महोदय सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये तो ये लोग भी मानेंगे कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर आपको लगता है कि अटल जी से बेहतर बोलते हो तो बता दीजिए, मुझे टोक दीजिएगा। मैं ये मानता हूं कि अटल जी से बेहतर नहीं बोलते, और अटल जी की सरकार थी 2004 के अंदर, यूपीए की सरकार आई, प्लीज प्लीज, और इसलिए इस बार भी इस बात को ध्यान रख ले कि सिर्फ बोलने से सरकारें नहीं बनती। और चलने से पहले एक बात कह देता हूं, कैसी मशाल लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशाल लेकर चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत ना रही। धन्यवाद। थैंक यू।